हेलो फ्रेंड्स, आईएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये नया इनिशिएटिव मैं शुरू कर रहा हूँ। वीकली जो है प्रोग्राम इसमें चलाया जाएगा, जिसमें हर सप्ताह में जो भी खबरें न्यूज में रही हैं, एक सप्ताह की खबरों को संडे के दिन 20 से 25 मिनट की क्लासेस में मैं आपको कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये हमेशा चलता रहेगा इनिशिएटिव। ये स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए और यूपीएससी के लिए भी बहुत खास है, ठीक है। इसमें लगभग जो सप्ताह में महत्वपूर्ण खबरें रहेंगी उसको मैं यहाँ पे इसमें शामिल किया करूँगा, जो कि मैगजीन वगैरह में छूट जाती हैं, ठीक। तो पहला आपका जो खबर है उसमें है कि प्लेसेस इन न्यूज़ में दक्षिण चीन सागर न्यूज़ में रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि फिलीपींस ने चीन के जो दावा था दक्षिण चीन सागर में कि सेकेंड थॉमस सोल है, उस जो द्वीप है, विवादित स्थल है, इस पर समझौता होने का जो दावा था उसको खंडन कर दिया, ठीक है। किसने खंडन किया? फिलीपींस ने खंडन किया। तो आपको ध्यान ये देना है कि किसने, फिलीपींस ने किस चीज़ पर जो है दावा खंडन किया? सेकेंड थॉमस सोल। तो सेकेंड थॉमस सोल को आपको मैप में देखना है, मैं आपको भी मैप आपको दिखाऊंगा अभी। और इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कुछ अन्य विवादित क्षेत्र भी हैं, जैसे कि पार्सल द्वीप समूह, जिसपे अभी वर्तमान में चाइना का कब्जा है, लेकिन इस पर दावा जो है ताइवान और वियतनाम वगैरह भी करते हैं। स्प्रैटली द्वीप समूह, अभी इसको मैप में आपको दिखाऊंगा, चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया, ये सारे देश इस पर जो है दावा करते हैं। स्कारबोरो सोल जो है, ये क्षेत्र में भी चीन, ताइवान और फिलीपींस जो है यहाँ पे दावा करते हैं। दक्षिण चीन सागर जो मुख्यतः है, अगर देखा जाए तो वो पश्चिमी प्रशांत महासागर का जो है वेस्ट पैसिफिक ओशन का ही एक हिस्सा है, ठीक। और चाइना ने इसे यहाँ पे विवादित क्षेत्र क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ पे चाइना ने 9 डैश लाइन का जो निर्माण किया, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैप में, ये 9 डैश लाइन से यहाँ पे विवाद है। और इन सारे क्षेत्रों पे जो है चीनी अतिक्रमण से ये ग्रसित है, और चाइना जो है यहीं पे कहीं ना कहीं ग्रे वार जोन जैसी तकनीक जो है यहाँ पे अपना करके यहाँ पे जो है समुद्री और जो भूमि का जो अतिक्रमण है वो लगातार यहाँ पे करता रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैप। ये कुछ यहाँ पे कंट्रीज हैं जहाँ पे साउथ चाइना सी में जो यहाँ पे विवाद है। तो ये आप देखो तो यहाँ पे पार्सल आइलैंड को आप देख रहे होंगे, पार्सल आइलैंड, ठीक है। स्कारबोरो सोल है, स्पार्टली आइलैंड्स है, और ये चाइना की जो 9 डैश लाइन है ये जा रही है, इसी से जो है यहाँ पे इन क्षेत्रों में यहाँ पे अस्थिरता जैसी स्थितियाँ पैदा हुई हैं। और जिस चीज़ के लिए न्यूज़ में रहा वो चीज़ आपको देखो, सेकेंड थॉमस सोल कहाँ पर स्थित है? तो सेकेंड थॉमस सोल जो है ये यहीं पर स्थित है, आप नीचे देख रहे हो, स्पार्टली आइलैंड के पास जो है छोटा सा द्वीप है इस सेकेंड थॉमस सोल, इसी पर जो है फिलीपींस ने दावे को यहाँ पर नकार दिया, ठीक है। तो ये सेकेंड थॉमस सोल को आपको मैप ने देख लिया, लेकिन आपको यहाँ पे एक जान ध्यान देना है कि ये नाम इसका क्यों पड़ा? यहाँ पे एक जलमग्न रीफ है, ठीक, इसी रीफ द्वीप के पास स्थित है, इसीलिए इसका नाम जो है सेकेंड थॉमस सोल जो है ये पड़ चुका, ठीक। तो इस सारी चीज़ों को हमने देख लिया मैप में। अब आपको दूसरा न्यूज़ में ध्यान देना है कि रैम्पेज मिसाइल इसको जो है वायुसेना और नौसेना में शामिल किया गया है, ये रैम्पेज मिसाइल को। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसराइल से ली गई है, और इजराइली डिफेंस जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली जो एजेंसी से उसके द्वारा बनाई गई है। हवा से सतह में ये मार करती है, और सुपरसोनिक मिसाइल है, इसको आपको ध्यान देना है। नीलगिरी तहर के बारे में मैंने आपको मंथली मैगजीन में पढ़ाया था, नीलगिरी तहर जो है तमिलनाडु का राजकीय पशु है। अब न्यूज़ में क्यों रहा? कि तमिलनाडु ने इसके लिए असेसमेंट के लिए एक जो है प्रोग्राम को चालू किया है, इसीलिए खबर में रहा। तीसरा जो आपका, चौथा आपका जो है खबर न्यूज़ में आती है, ईशान पहल पूछ सकता है यूपी पीसीएस और वनडे एग्जाम्स में, जैसे में जो स्टेट पीसीएस में, कि ईशान पहल किसके द्वारा चालू की गई है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा चालू की गई है। इसका पूरा नाम है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये नागपुर में जो है 4 एयर कमांड को जो है शामिल करके इसमें बनाया जाएगा। तो इसको बस आपको इतना ध्यान देना कि ईशान पहल किसके द्वारा शुरू की गई, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको शुरू की गई थी। भारतीय उद्योग परिसंघ ने स्टार्टअप के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस चार्टर को जारी किया है, कॉरपोरेट गवर्नेंस चार्टर जारी किया है। तो ये जरूर से आपको मैं इंपॉर्टेंट इतना है, क्योंकि आपको इस पर मंथली मैगजीन में एक आर्टिकल जरूर देखने को मिलेगा, और GS4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है कि इंडियन स्पेस सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट 2023 को किस संस्था ने जारी किया? तो आपको ध्यान देना है कि इसरो ने यहाँ पे जो है इंडियन स्पेस सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट 2023 को जारी किया। अब ये फैक्ट हमेशा पूछता रहता है यूपी पीसीएस, बीपीएससी वगैरह स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में, कभी कभी यूपीएससी में भी स्टेटमेंट बनाकर ये सवाल दे देता है कि जो भी खनिज उत्पादक होते हैं, या फिर लौह हो गया, इस्पात हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम, इस सब इस पे जो है उत्पादन पे जो है सवाल ये पूछता रहता है। तो ये आपको ध्यान देना, नया डेटा है कि भारत जो है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है,
ये आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। ये भी UPPCS में रिपीटेड प्रश्न है कि एथिलीन को कितनी बार पूछा हुआ है, एथिलीन को, ठीक है। तो एथिलीन क्या है कि पौधों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए उसमें वृद्धि करने में सहायक होता है। तो हाल ही में न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि एक खेप पकड़ी गई थी एथिलीन की, जो जो है आमों को पका करके बेच रही थी, इसीलिए न्यूज में रहा। तो एथिलीन में जो व्यापक तौर पर जो इस्तेमाल होने वाला पदार्थ होता है, जो जिस पे एथिलीन को, ऐसे एथिलीन तो आप केमिकली इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो एक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसको नाम होता है इथेफॉन। इथेफॉन इथेफॉन जो होता है वो एथिलीन का एक प्रकार होता है, जिसको इस्तेमाल करके और यही जो है फल पकाने के लिए किया जाता है, ठीक। हाल ही में न्यूज में रहा कि लोक उद्यम विभाग ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड जो है इरडा, इसको जो है नवरत्न श्रेणी का दर्जा दिया, नवरत्न कंपनी का, नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है। किसको? इरडा को मिल चुका है। किसने दिया? लोक उद्यम विभाग ने दिया, UPPCS के लिए, RO के लिए, BPSC वगैरह के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पाकिस्तान ने अपनी पहली हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारत की जो कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बियाँ हैं इसके समतुल्य है ये। ऐसे में जब वहाँ के भारत की जो कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बियों के समतुल्य है, तो आपको ध्यान देना है कि उसका निर्माण कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों कैसे हुआ था। तो प्रोजेक्ट 75 के थ्रू जो है ये इसका निर्माण हुआ था। भारत पाकिस्तान ने अपनी पहली हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी को लॉन्च किया है। इसी बीच एक और खबर न्यूज में, इस जगह न्यूज में रहती है, वो है स्पेन। स्पेन के PM के खिलाफ, जो PM की पत्नी है, उनकी वाइफ है, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जाँच हो रही है। तो स्पेन जो है वो देश न्यूज में रहा है। तो आपको जानना थोड़ा सा स्पेन के बारे में। तो वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट, तीन इंपॉर्टेंट रिवर होती हैं, टाइगस रिवर, एब्रो रिवर और डोरो रिवर, ठीक है। ये अगर स्पेन को अगर देखें बाउंड्री में, तो वेस्ट में पुर्तगाल से लगता है, नॉर्थ ईस्ट में अंडोरा, फ्रांस और जिब्राल्टर जो है वो जल्दी यहाँ पे लगती है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप स्पेन को देख रहे होंगे जिसमें आपको फ्रांस और अंडोरा जो है यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर में, ठीक। इसके बाद जो है यहाँ पे अब रिवर में देखा जाए, तो रिवर में डोरो रिवर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, डोरो रिवर, एब्रो रिवर और जो है आपका यहाँ पे एक और है गुडियाना रिवर्स, ठीक है, टागस रिवर। ये तमाम जो है ये रिवर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे जिब्राल्टर वाली जो संधि है, यहाँ पे जो है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे, ठीक। तो ये आपका स्पेन का मैप है, इस मैप को आपको ध्यान देना है। और इसको आप मैप, जहाँ भी आपको मैप मिले उसको आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ें UPSC वगैरह में, UPPCS में, BPSC में यही चीज़ें जो हैं थोड़ा सा डिटेल में जाकर के पूछी जा रही हैं। IMF के अनुसार नेक्स्ट न्यूज जो है इस सप्ताह में, IMF के अनुसार भारत को विश्व की सर्वाधिक समृद्धि वाला जो देश है, प्रमुख अर्थव्यवस्था में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसकी बड़ी भूमिका रही है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट की भूमिका यहाँ पे बताई गई, इस पे मंथली मैगजीन में आर्टिकल ज़रूर आएगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। जो टैक्टिक AI है, टैक्टिक AI, इसको किसने विकसित किया है? तो गूगल ने विकसित किया है। ये वनडे एग्जाम्स में पूछ सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी नहीं, हर साल देखा होगा आपने, हर साल आप UPPCS के अगर PYQ को उठा दो तो वहाँ पे आप देखोगे कि एक सिद्धांतिक प्रश्न जरूर पूछता है, जिसमें कि ये सिद्धांत किसने दिया, ये सिद्धांत किसने दिया, उसमें आपको ध्यान देना है। एक न्यूज में रहा, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट थ्योरी जो है, POT थ्योरी, ये किसने दिया था? जॉर्ज मेनार्ड कीन्स ने दिया था। तो आपको ध्यान देना, UPPCS में पूछ सकता है, और मैं गारंटेड के साथ कह रहा हूँ ये सवाल जरूर बनेगा। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट थ्योरी जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया, ठीक। ये द हिंदू में आर्टिकल आया हुआ था, उस पर मैंने यहाँ से उठाया इसको। ब्लड मिनरल की बात आ रही है, ब्लड मिनरल, मैं आपको बताऊंगा क्या ब्लड मिनरल क्या होता है। एप्पल कंपनी पे आरोप लगा है कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है उसमें जो है ब्लड मिनरल का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पे ब्लड, उसके ब्लड मिनरल्स का इस्तेमाल यहाँ पे जो है एप्पल कंपनी कर रही है, ठीक है। ये किस पे आरोप लगा है? एप्पल कंपनी पे आरोप लगा। ब्लड मिनरल को कॉन्फ्लिक्ट मिनरल भी कहते हैं। ऐसे इसका नाम समझ लो कि जो ऐसे देश में जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, वहाँ पे नरसंहार, मानवीय जो अत्याचार होते हैं, जो वहाँ पे जो निजाति हिंसाएं हैं, इस प्रकार से वहाँ पे अस्थिर सरकारें हैं, इसके वजह से क्या है कि वहाँ पे जो भी खूनी संघर्ष हो रहे हैं, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में वहाँ पे जो मिनरल्स वगैरह का उत्खनन होता है उसी को ब्लड मिनरल्स की संज्ञा दी गई एक प्रकार से। उसमें तीन जो है, तीन जो आपको ध्यान देना है, टेंटलम है, टीन है, टंगस्टन है और गोल्ड है, 3TG इसको बोलते हैं। ये ब्लड मिनरल्स की श्रेणी में आते हैं, तो आपको ध्यान देना है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत होना कि कहाँ से पूछ दिया ये, ठीक है। अभी हाल ही में न्यूज में रहा कि राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग थी इंदू लेखा, उसकी पहली जो है ट्रू कॉपी, एक वास्तविक कॉपी जो है, कहाँ पे उसका अनावरण हुआ? तो किलिमनूर पैलेस केरल में हुआ, किलिमनूर पैलेस केरल में हुआ। किसकी? राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग थी इंदू लेखा की, पहली ट्रू कॉपी को। राजा रवि वर्मा जो है ऑयल पेंटिंग करने वाले, भारत में लाने वाले पहले चित्रकार थे, आपको यहाँ भी ध्यान देना है। हाल ही में जो उड़ीसा है, उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो स्मार्ट का परीक्षण, सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट, इसका फुल फॉर्म है असिस्टेड रिलीज ऑफ द टॉर्पीडो प्रणाली।
ये स्मार्ट प्रणाली, इसका परीक्षण हुआ, ध्यान देना है आपको इस पे, बहुत स्टार मार्क कर लीजिए, डीआरडीओ ने स्मार्ट को बनाया है। इसका फुल फॉर्म है असिस्टेड रिलीज ऑफ द टॉर्पीडो प्रणाली स्मार्ट। कहाँ पे हुआ? उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण हुआ। ठीक है, अभी मैंने आपको जो है, अगर आप मेरे न्यू चैनल पे जाएंगे यूट्यूब पे, तो इस पे शॉर्ट्स वीडियो में लेबनान वगैरह को मैंने कवर किया है। उसमें आपको पता होगा कि जो अभी हाल ही फिलहाल में इसराइल और हिजबुल्ला के जो आतंकवादी थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था लेबनान की सीमा पे। ठीक, ऐसे में आपको लेबनान देश को देखना है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर लितानी रिवर है और ओरोंटस रिवर है, दो रिवर को देखना देखना है, लितानी नदी और ओरोंटस नदी। मैं आपको अभी मैप में दिखाऊंगा। ये लेबनान जो है वेस्ट एशिया में स्थित है, और वेस्ट एशिया में स्थित होने के कारण जो है, अभी आपको यहाँ पर मैप में दिखाऊंगा, लेबनान पर्वत जो होता है वो पश्चिम में पाया जाता है, और एंटी लेबनान पर्वत है ईस्ट में पाया जाता है, पूर्व में। इसके बीच में अल बीका घाटी स्थित है, इसको भी देखना है। तो मैप, चलिए मैप में देखते हैं इसको। ये आपका लेबनान का मैप है, जिसमें आपको देख रहे होंगे यहाँ पे ओरोंटस नदी को भी आप देख रहे होंगे, और ये बीका घाटी को भी देख रहे होंगे, जिसमें एंटी लेबनान पर्वत पूर्व में है और ये पश्चिम में जो है लेबनान पर्वत है। ठीक है, इसी के बीच में बीका घाटी है, इसको आपको ध्यान देना है। और इसको बिल्कुल आपको जो है, नीचे आप देखोगे लितानी रिवर भी है, लितानी रिवर। तो ये दो तीन चीज़ों को आपको मार्क कर लेना है, सवाल पूछ सकता है। तो इसको मैंने वीडियोज़ में भी, शॉर्ट वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है, तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। भारत जो है प्रतिदिन जो है, भारत जो है अभी हाल ही में जो 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक होगी उसकी मेजबानी करेगा। 46वीं ये अंटार्कटिक संधि है, उसकी जो कंसल्टेटिव बैठक होने वाली है एक प्रकार से, तो उसकी मेजबानी करेगा। और आयोजन कौन कर रहा है? तो राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान क्षेत्र NCPOR करेगा। इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान देना है कि भारत ही इसकी मेजबानी करने वाला है। किसकी? 46वीं अंटार्कटिक संधि जो है उसकी परामर्शदात्री बैठक होगी, उसकी मेजबानी करने वाला है। ब्लू होल जो है, ब्लू होल ये आपको ये न्यूज़ में रहा है, क्योंकि जो तामजा ब्लू होल है वो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल को माना गया है। और ये बताया गया है कि जो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है वो कौन सा है? तामजा ब्लू होल है। ये युकाटन प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से में मेक्सिको की चेमतुल खाड़ी में स्थित है, चेतमूल खाड़ी में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना, युकाटन प्रायद्वीप को मैंने मैपिंग में ये शॉर्ट्स वीडियो में कराया भी है, और ये मेक्सिको की जो है चेतमूल खाड़ी में जो है स्थित है। कौन सा? ब्लू होल। ठीक है, अब बात आती है कि ब्लू होल होता क्या है, ब्लू होल होता क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो इसमें जो ब्लू होल होता है, थोड़ा सा मैं आपको इसमें समझा दूं, इसमें ज़रूरी होता है कुछ कुछ चीज़ों को समझना कि ब्लू होल जो होता है, पानी के भीतर जो होता है, पानी उसके भीतर क्या होती हैं? गुफाएँ होती हैं, गुफाएँ। ठीक है, ये गुफाएँ क्या होती हैं? जो समुद्री तल है उसके नीचे बनी होती हैं, और ऐसी गुफाएँ होती हैं कहाँ पाई जाएंगी? आमतौर पर जो तटीय क्षेत्र होता है, तटीय क्षेत्र वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक, और क्योंकि वहाँ पे लहरों जो होता है टकराएंगे चट्टानें, उससे चट्टानों से टकराएंगे तो वहाँ पे उसका अपक्षय होता रहता है। तो फिर ये ब्लू होल जो होता है, ये मतलब इससे होता है कि यहाँ पे जो दरारें होती हैं, रिस का जो पानी चट्टानें यहाँ पे बनती रहती हैं, और ये ऐसे तब होता है जब यहाँ पे वहाँ पे छोटी छोटी जगहों पे सिंक होल से जो है ये बढ़ती जाए, और समय के साथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यानी सिंक होल काफ़ी समय के साथ बड़ा होगा तो वो ब्लू होल का निर्माण हो जाता है। कुछ अन्य उदाहरण भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ड्रैगन होल है। ड्रैगन होल कहाँ पे है? ये दक्षिण चीन सागर में है, जिसको आपने मैप में देखा। ठीक, ग्रेट ब्लू होल है, ग्रेट ब्लू होल ये कहाँ पे है? बेलीज के पास है। ठीक, और मिस्र में भी एक है दहाब ब्लू होल। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ ब्लू होल्स हैं। लेकिन हाल ही में जो न्यूज में रहा है वो क्या है? ब्लू होल तामजा ब्लू होल, जो क्या है? दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल माना गया है। ठीक, और ये युकाटन प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से में मेक्सिको की जो है चेतमूल खाड़ी वहाँ पर स्थित है, इसको आपको ध्यान देना है। न्यूज में रहा ADB क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि उसने एशिया में जो वृद्ध जन है, ओल्ड एज के जो पीपल हैं, उसके कल्याण के लिए एशियाई विकास नीति रिपोर्ट को जारी किया है, और इसमें बताया है कि भारत में केवल 21% जो वृद्ध हैं उनको स्वास्थ्य बीमा कवरेज की सुविधा प्राप्त है, जो एशिया में सबसे कम है। इसको आप मेंस के आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, और ये आपको ध्यान भी देना है कि एशिया में वृद्ध जनों का कल्याण एशियाई विकास नीति रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ADB ने जारी की है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जारी की। इसका आप बताना है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, आप जरूर कमेंट करिएगा। भारत में जो पहली बार जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है उसमें कोयले की हिस्सेदारी 50% से कम हुई है, UPPCS का ये स्टार मार्क कर लीजिए क्वेश्चन को। कभी हमेशा जो है कई बार ये आप देखोगे PYQ का एनालिसिस करोगे तो इसमें सवाल पूछता है कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, या फिर
आपको उसमें सबसे अधिक जैसे एनर्जी उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है, ऐसे सवाल स्टेटमेंट में सवाल बनते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि भारत की जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी, उसमें कोयले की हिस्सेदारी 50% से कम हो गई, यानी कोयला आप जो है 49% यूज हो रहा है, नाभिकीय ऊर्जा जो है वो 12.9% है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स 32.5% है। ये लेटेस्ट डेटा है, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। कोको बीन्स जो चॉकलेट वगैरह में यूज होता है, ये एक नगदी फसल है। फसल संबंधित डेटा यूपीएससी यूपीपीसीएस में हमेशा सवाल बनते हैं, बीपीएससी में भी सवाल बनते हैं, इसको आपको ध्यान देना है। इसलिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना सप्ताह में, मैं उसको सिर्फ उसी को मैं नोट करके लाया हूँ पीवाईक्यू के आधार पर, ज़रूर आपको पसंद आएगा और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो नगदी फसल है, ये आर्द्र उष्णकटिबंधीय फसल है और ये 12 मासी 12 महीने बोई जाती है। भारत में कहाँ खेती होती है, केरल में सबसे अधिक होती है, फिर कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में। ये डेटा का किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए आपको नोट करना है। माउंट रुवांग, माउंट रुवांग इंपॉर्टेंट है, ये ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में, अभी हाल ही में इस पर जो है विस्फोट हुआ। ये सुलावेसी द्वीप समूह में स्थित है और जो इंडोनेशिया में कुछ अन्य ज्वालामुखी भी हैं, क्राकाटाओ, मेरापी और सेमेरु, ठीक है। क्राकाटाओ, मेरापी और सेमेरु, ये यूपीपीसीएस का रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। लेबनान के नीचे अगर मैंने आपको देखा है, यहाँ पे माउंट रुवांग इंडोनेशिया में मैंने यहाँ पे जो है मैप लगाया हुआ है, इसको आप देख लो, सुलावेसी आइलैंड के पास जो है ये माउंट रुवांग स्थित है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो, इसलिए मैंने आपको नीचे मैप भी लगा दिया है और इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ स्टार मार्क कर लिए, सवाल पूछने की पूरी संभावना यहाँ से है। कवच प्रणाली आप जानते होंगे, जो कि ट्रेनों को आपस में रोकने लड़ने से रोकता है, ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये किसके द्वारा बनाया गया है, RDSO के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, RDSO के द्वारा बनाया गया है, DRDO मत लगा देना, ठीक है। अभी एक चीज और भी ये न्यूज में रहा कि जेल में बंद व्यक्ति को क्या मतदान का अधिकार है, तो आपको ध्यान देना है कि जेल में बंद व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु अगर कोई व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो उसमें व्यक्ति को, उस व्यक्ति को मतदान का अधिकार है, इस फैक्ट को ध्यान देना। यूपीपीसीएस या यूपीएससी में सवाल ऐसे बन सकते हैं, गलती मत करना, ठीक है। भारत में, भारत ने पीओकी की जो है सक्सगाम जो घाटी है उसमें चीन द्वारा जो डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं, सड़क निर्माण किया जा रहा है, उसका विरोध किया है। पीओकी की जो सक्सगाम घाटी है ये कहाँ पे है, सक्सगाम नदी जो है पीओके में है, वहाँ पे ऊपर आप देखो कसाई चीन के पास के बगल वाले में एरिया में, जिसने ये देखो ये भारत का एरिया यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे चीन, ये इसके सक्सगाम नदी के दोनों किनारों पे ये क्षेत्र स्थित है और ये कुनलुन पर्वतमाला और काराकोरम श्रेणी से घिरा हुआ है। तो ध्यान देना इसमें, सक्सगाम घाटी में चीन जो है यहाँ पे रोड निर्माण कर रहा है, भारत ने इसका विरोध किया है। ये मसाला बोर्ड यूपीपीसीएस का, बीपीएससी का ये सवाल एकदम स्टार मार्क वाला सवाल है, अभी इसी हाल ही में फिलहाल में आरओ का एग्जाम हुआ, इसमें पूछा था मसाला बोर्ड। तो क्यों न्यूज में रहा ये, क्योंकि हाल ही में कुछ मसालों को जो है रिजेक्ट किया गया है, जो उसमें क्वालिटीज़ के आधार पे कुछ विदेशों से जो निर्यात किए गए थे विदेशों में, उन मसालों को वापस लौटा दिया गया। तो ये न्यूज में रहा, मसाला बोर्ड की स्थापना 1987 में हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोची केरल में है और भारत में सबसे अधिक मसाला उत्पादक राज्य जो नया अपडेटेड डेटा है उसमें MP है, राजस्थान है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। इस फैक्ट को आपको नोट कर लेना है, भारत में सबसे बड़े मसाला उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है, ठीक है। तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट से जो है समुद्री टर्डिग्रेड की एक नई प्रजाति शुरू खोज की गई, एक जीव होता है जिसका नाम पड़ा है बैटिलिप्स चंद्रायणी, ठीक है, बैटिलिप्स चंद्रायणी, चंद्रायणी कहाँ पे, चंद्रयान पे नाम पे रखा गया है, इसको आपको ध्यान देना है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के हाईकोर्ट है, उनके रिटायर्ड जज थे संजय कुमार मिश्रा, इनको GSTAT का अध्यक्ष नियुक्त किया। अभी हाल ही में बताया था ना कि GST के जो एक्ट में संशोधन हुआ था, जिसमें कि एक जो है द्वितीय अपीली प्राधिकरण बनाया गया था GSTAT, जिसके लिए सदस्यों और अध्यक्षों की जो आयु सीमा से लेकर तमाम चीज़ें तय की गई थी, ये आपको मैंने पढ़ाया था मंथली मैगजीन में भी और ये UPPCS RO की जो मैगजीन अगर आती हैं उसमें भी मैंने आपको ये मैम ने पढ़ाया था, नाजिया मैम ने, ठीक है। तो GSTAT का अध्यक्ष सबसे पहले किसको नियुक्त किया गया है, तो संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है। अभी परसों की ही डेटा आई है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, इसमें भारत जो है 180 में से 159वां स्थान पर पाया गया है और ये बहुत शर्मनाक स्थिति है भारत की मीडिया के लिए, और खासकर मीडिया से मैं भी जुड़ा हूँ तो मेरे लिए भी शर्मनाक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, 159वां स्थान 180 में से, और ये किसके द्वारा जारी करते हैं, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा, पेरिस द्वारा स्थित संस्था है वहाँ पे इसके द्वारा जारी करती है। इसका दिवस देखा जाए तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है। टॉप परफॉर्मर्स इस रिपोर्ट में कौन रहे हैं, तो नॉर्वे रहा है पहला, डेनमार्क और फिर उसके बाद स्वीडन, ये टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं।
ये नीचे एक जो है लास्ट में एक आपको ध्यान देना है कि श्री माधव पेरुवल मंदिर ये न्यूज में रहा, क्योंकि इस भवानी सागर जो बांध है इसके कारण ये डूब गया है, ठीक है, डूबा हुआ है। ये माधव पेरुवल मंदिर शिव को समर्पित मंदिर है, होयसल शासकों के अधीन था जब ये बना था, तो इसका निर्माण 1338 ईस्वी में हुआ था, तमिलनाडु के आसपास के एरिया में जो है यहाँ पे, इसी के आसपास जो है समुद्री व्यापार क्षेत्र को भी यहाँ पे अगर कुछ पुरातत्वविदों ने जो है यहाँ पे पाया है, ठीक है। तो श्री माधव पेरुवल मंदिर भवानी सागर बांध के कारण जो है ये डूबा हुआ है, शिव को समर्पित मंदिर है, होयसल शासकों के दौरान जो है ये जो है इसी के अधीन निर्मित था हुआ था और इसका निर्माण 1338 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से ये जो आपका पूरा साप्ताहिक न्यूज का जो कार्यक्रम है वो मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया, इसमें आपको मैप को मैंने कंपाइल कर दिया है। इस पीडीएफ को टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी फॉर आईएसपीसीएस, स्टडी फॉर आईएसपीसीएस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये हर सप्ताह आपको जो है एक सप्ताह की पूरी कंपाइलेशन पीसीएस के लिए, वन डे एग्जाम्स के लिए, या फिर जो है यूपीएससी के लिए जो मैप प्लेसेस इन मैप जो न्यूज है, प्लेसेस इन न्यूज जो होते हैं वो मैपिंग के साथ वो आपको मिल जाए करेगी, और संडे को ही ये मिलेगी, ठीक है, हर सप्ताह। और मैं कंटिन्यू करूँगा, इसमें बिल्कुल गैप नहीं होगा, इस बात को श्योर रखिएगा आप लोग, ठीक है, धन्यवाद।